आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं ललिता अपने यूट्यूब चैनल सोमलता बेदवाल में आपका स्वागत करती हूँ। जय तारकेश्वर महादेव। तारकेश्वर महादेव आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूर्ण करे और अपनी कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनाए रखे। ये लेके आ रहे हैं केक अपनी मैडम के लिए। इनकी मैडम का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू मैम। आज इनकी मैडम का बर्थडे है और यहाँ कार्ड रखे हैं मैंने, फ्रूट्स। और ये आज केक लेके रेनो हमें केक लेके आ रही है। रेनो वाले केक लेके आ रही है। मैडम का बर्थडे है, मैडम के लिए केक लेके आ रही रेनो ना। बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे, बंदर ने लात मार रो रहे थे। खड़ो ना खड़ो। फिर लात किसने मारे? अपा देखिए छोटा सा बच्चा कितनी प्यारी कविता बोल रहा है। अरे सो कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास? मम्मी के क्लास में है। स्कूल का नाम क्या है? नर्सरी। आज मैं बनाऊंगी कढ़ी और कढ़ी में डालूंगी मैं खीरा। खीरे वाली कढ़ी बनाऊंगी। यूनिक सी चीज डालूंगी उसमें, बहुत टेस्टी होती है खीरे वाली कढ़ी। ये बुआ काट रही है आज आलू। आज बुआ रखी है। हाय बोलो। बुआ बहुत टेस्टी पकौड़ी बनाती है। हाँ, ये पकौड़ी के लिए आलू काट दिया, थोड़ी डाल दी और अजवाइन के पत्ते डाल दिए। बाकी मर्च मसाले अब डालेंगे और पकौड़ी बनाएगी रेनो। ये पकौड़ी के लिए हो गया तैयार, पूरा कर दिया। इसमें थोड़ा सा हरी धनिया के वो डालेंगे, स्टिक धनिया की स्टिक है, ये पत्तियाँ नहीं है, स्टिक है धनिया की। इधर बनाऊंगी मैं कढ़ी। कढ़ी के लिए मैंने खीरा कस कर लिया, कद्दूकस। इसमें डालूंगी मैं दही। दीदी, इसमें डालूंगी मैं बेसन और पैकेट से ही डाल रही हूँ, जो कि मैंने पैकेट खोला, पैकेट से ही डाल रही हूँ। आधा कटोरी के लगभग डाल दिया मैंने इसमें दही। मैं डाल दिया मैं हरी मिर्ची का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, और ये डालूंगी मैं हल्दी, एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच धनिया पाउडर। बस एक चम्मच डाल दिया जीरा, आधा चम्मच मिर्ची डाल दिया मैंने, डाल दिया मैंने इसमें। ये देखिए खीरे वाली कढ़ी, आप भी ट्राई करना एक बार। इधर पकौड़ी हो रही है तैयार। पकौड़ी डाल दी हमने, बहुत तेल गर्म हो गया, नोचने लग गया ज़्यादा। ये कढ़ी बन के हो गई हमारी रेडी। अभी थोड़ा सा उबल रही है, अभी थोड़ा उबलने दूंगी तो बहुत टेस्टी होती है। और इधर बन रही है पकौड़ी, कुछ पकौड़ी बन के हो गई रेडी। ये देखिए क्या सुंदर सी, और पकौड़ी मास्टर है हमारा रेनो। रेनो बहुत बढ़िया पकौड़ी बनाती है। मैंने बोला रेनो तो आज पकौड़ी बना रही है। आधा इधर बन रही है, आधा बन रही है।
और बहुत टेस्टी हो रही है। और आइए राबी पकौड़ियों का लुक उठाइए, देखो मैं रेनू के कहाँ तक आती हूँ। आपने देखा हमारे लंबू और थम्बू की जोड़ी है हमारी। हमने अपना नाम रखा है, इसका नाम है लंबू, मेरा नाम है थम्बू, जो मैंने आज आपको बता दिया हम लंबू और थम्बू है। ये दोनों प्यारे से बच्चे, अच्छा डांस कर दे जरा, जिससे डांस कर दे। ए हे वेरी गुड, आज जरा ना पोएम सुना दे अच्छी वाली, लोग देख रहे हैं ना तुझे यहाँ से, लाइव चल रही हूँ। हाँ बोल, डांस कर। पतली कमरिया मोरे हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया बोले हाय हाय हाय। ढंग से करना, तू भी कर बीबू, तू भी कर। पतली कमरिया हाय हाय हाय, अरे वाह मस्ती मूड, बहुत बढ़िया डांस करता है ये रिशु, बहुत सुंदर वाला डांस करता है रिशु ना। रिशु मैं कौन हूँ? अरे ये क्या पे खाने का चटोरी, डांस भी नहीं करता ना। यहाँ देखो इनका। हाय गाइस, प्रणाम प्रणाम, राधे राधे बोल, राधे राधे बोला। आप कैसे हो? कैसे हूँ? मैं अपने पुराने घर आ रखा हूँ आज। मैं अपने पुराने घर आ रखा हूँ। ये हो गया चावल बन के रेडी, इधर बन गई कड़ी और इधर बन रही है पकौड़ी, पकौड़ी बन के हो गई रेडी और बच्चे यहाँ पे मस्त से पकौड़ी का लुत्फ उठा रहे हैं। रिशु आ जा, हैं खा ले यार, भी आ जा तू खा ले। ये देखिए ये उसी में नहीं फेंकते, बहुत टेस्टी ये पकौड़ियों का मास्टर है। अगर ऑर्डर देना है आपको तो ये पकौड़ी बहुत सुंदर बनाते हैं। अभी बुलाना इसको पकौड़ी बनाने के लिए। ये इसमें डाल दी मैंने पकौड़ी, ये देखो कड़ी और ये देखो ये पानी की सर्विस कर रहा है सबके लिए। थैंक यू। बोन इधर देख क्या स्टाइल भाई। तो चले गए बच्चे अपने घर, रेनू भी चली गई अपने घर और उसके बच्चे भी चले गए और उनके साथ बहुत ढेर सारी बातें करी और बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला हम दोनों को बैठने का। पहले तो हम खूब देर देर तक बैठे रहते थे और आज काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, काफ़ी दिनों के बाद उसके साथ बातें करने का मौका मिला और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आज का वीडियो एवं रेसिपी आपको पसंद आए, तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता रानी की, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।